उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले समस्त चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत MBBS इंटर्न वैश्विक महामारी कोरोना में अपनी चिकित्सा सेवाएं शासन के निर्देशानुसार निर्बाध रूप से करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इन दिनों उत्तर प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न चिकित्सक विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से पत्र व वीडियो जारी कर करके संवैधानिक तरीके से अपनी अल्प मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर MBBS इंटर्न को मासिक 7,500 रुपये देने की व्यवस्था है, जो कि प्रतिदिन का 250 रुपये होता है, जिसमें कि एक MBBS इंटर्न अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी रूप में नहीं कर सकता है। अन्य राज्यों में यह राशि 15,000 से लेकर 25,000 रुपये के बीच में है। अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने COVID-19 वैश्विक महामारी में काम करने वाले MBBS इंटर्न चिकित्सकों की मानदेय में बढ़ोतरी करने का सार्थक कदम उठाया है। चूँकि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष की सबसे बड़ी जनसंख्या 23 करोड़ वाला प्रदेश है, यहाँ पे चिकित्सा संस्थानों में सबसे ज़्यादा मरीजों का भार होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन के साथ प्रार्थना करता हूं कि अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी कार्यरत MBBS इंटर्न के मानदेय में समुचित यथाशीघ्र बढ़ोतरी करने की कृपा करें, जिससे कि आर्थिक संकट इन लोगों के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा न बने। बहुत बहुत धन्यवाद। संत बहादुर, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट RSP, इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर प्रदेश। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।